आज की चर्चा में है डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग काफी सारे चीजें देखते हैं, अगर मोबाइल यूज करना आप जानते हैं तो आपने भी बन सकते हैं एक डिजिटल मार्केटर। अगर आपने सही में मोबाइल इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप भी बन सकते हैं डिजिटल मार्केटर। यस, हाय, दिस इज राज, द बिजनेस एडवाइजर एंड मार्केटिंग ट्रेनर। फ्रेंड, मुझे एक फोन आया दिल्ली के नोएडा से। वहां के एक पर्सन था जिसका नाम था प्रशांत, और उन्होंने क्वेश्चंस किए, सर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग की काफी सारे सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जैसे फेसबुक ऐड, यूट्यूब ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड्स, वेबसाइट बनाता हूं, ब्लॉग्स बनाता हूं, और अपना आप जो भी चाहें मैं आपको सारे सर्विस दे सकता हूं। तो मैंने पूछा, अच्छा आपने जो चीजें करते हैं मुझे भी ये सारी चीजें पता है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब करता हूं, मुझे भी गूगल के बारे में पता है, मुझे भी अपना ऐड चलाना आता है, तो मैं आपसे सर्विस क्यों लूं? तो फ्रेंड, आपके साथ भी ऐसा होता है ना, आप अगर किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, आपको भी अगर ऐसा कोई रिप्लाई दे तो आप क्या करेंगे उस वक्त? आपके माइंड में अगर ये आएगा तो आपने, जाहिर सी बात है, आप वहां की डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी कुछ नेगेटिव के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग में नेगेटिव क्या आता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, और इसके साथ आपने वो पॉजिटिव कन्वर्ट करने के बाद आप कितना बढ़िया इनकम कर सकते हैं। क्योंकि बस मेरा जो काम है, हर कोई भी प्रोडक्ट आपके पास हो, हर कोई स्किल आपके पास हो, या हर कोई भी नॉलेज आपके पास हो, तो उसको कैसे मोनेटाइज किया जाएगा आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उसका बेस्ट सजेशन दे सकता हूं, आप कैसे इस चीज में जाकर पैसा कमा सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर, मैं आपको रियली ये बता सकता हूं। अगर आपका कुछ है तो कमेंट में लिख के मुझे भेजिए, मैं आपको उसका 100% बेस्ट सजेशन दूंगा, इतना गारंटी है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जो मुझे प्रशांत ने मुझे कॉल किए और पूछे, सर ऐसा बात है कि आप जैसे बोल रहे हैं इस तरह हम भी नेगेटिव फेस करते हैं, सर इसके लिए क्या सोल्यूशन हम निकालेंगे? पहले बात बता रहा हूं फ्रेंड, आप ध्यान से सुनिए, अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या डिजिटल मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप पहले से दिमाग से मतलब ये बैठा दीजिए, आने वाला समय में डिजिटल मार्केटिंग जितना तेजी से ग्रो हो रहा है, आपका जो छोटा मोटा नॉलेज कुछ काम पे आने वाला नहीं है। क्लियर बता रहा हूं आपको, अगर आप छोटा मोटा नॉलेज रख के आप काम कर रहे हैं, वही फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो काफी सारे इसका वीडियोस मिल जाएगा, आपने मतलब आपने जो सोच रहे हैं उस जा और कोई भी वीडियो देखकर अपना चीजें बना सकता है, राइट? तो आपसे लोग सर्विस क्यों ले? आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों चूज किए हैं? आप जानते हैं आपने चूज कर भी लिए, कस्टमर को कन्विंस कैसे करेंगे? सबसे बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि यहां पे कस्टमर मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मुझे एक थोड़ा गजब लगा, मुझे एक बात बताऊं, सच्ची बात बता रहा हूं आपको, मैंने कॉल जब उनका रिसीव किया, मैं पूछा, आपका दिल्ली में अगर डिजिटल मार्केटिंग का मिनिमम सैलरी पैकेज कितने में शुरू होता है? उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया पता है? सर 10-12 हज़ार से शुरू होता है सर। मैक्सिमम कितना तक जाता है? सर 20 हज़ार तक जाता है सर, उससे ज्यादा नहीं जाता है। हैरान हो गया मैंने सुनकर, अरे भाई, एक लोग इतने सारे पढ़ाई करेगा, इतने सारे टाइम देगा, और उसको मिलेगा सिर्फ महीने का तनख्वाह 20 हज़ार मैक्सिमम, फिर वो दिन भर भी काम करना पड़ेगा 12-14 घंटा तक। ओ माय गॉड, रियली मतलब दिमाग चक्कर में आ जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये सारे नेगेटिव अगर फेस करना पड़ता है, तो मैं आपके लिए एक बेहतरीन सजेशन देने वाला हूं। ध्यान से देखिए वीडियो को, बिना स्किप किए देखिए, अगर स्किप कर देंगे बस एडवाइजर के एडवाइस अगर आप नहीं मानेंगे तो आप अपना जो बिजनेस में ना हमेशा डाउनफॉल जाएंगे। क्योंकि मैं काफी सारे बिजनेस को एनालाइज कर रहा हूं आज भी, मार्केटिंग मेरा नशा है, नशा, नशा मतलब समझते हैं ना, आपका जैसे नशा रहता है कोई सिगरेट पीना शौक के लिए, हाँ, और अपना गर्लफ्रेंड पटाना, तो ये काफी सारी चीज अलग अलग तरीके जैसे नशा रहता है, बाकी मेरा नशा है मार्केटिंग। मैं आज भी मार्केटिंग कर रहा हूं, आने वाला कल को भी मार्केटिंग करूंगा, और यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं आपने डिजिटल मार्केटिंग को कैसे मार्केटिंग में कन्वर्ट करें, ऐसे क्या करें आपका कस्टमर आपकी मुट्ठी में आ जाए, ऐसे क्या करें आपका कस्टमर आपकी मुट्ठी में आ जाए, कुछ टिप्स बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं ये बता दूंगा फ्रेंड, कुछ कस्टमर को कैसे मैनेज किया जाएगा। पहला, कस्टमर को मैनेज करेंगे, मैनेज करने के बाद मुट्ठी में रखेंगे, मैनेज नहीं कर सकते तो मुट्ठी में नहीं रख सकते, इसीलिए पहले मैनेजमेंट सीख जाइए। देखिए, आपने आपने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब काफी सारी चीजें जानते हैं, राइट? किसी कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर पूछता है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत पता है। जो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सोच रहा है वो कहीं ना कहीं सुन रहा है, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे किसी फ्रेंड सर्किल से हो, या कहीं से भी हो,
वो आपको सुन रहा है या आपके डिजिटल की डिजिटल मार्केटिंग के बारे में उसको पता है, तो अभी उस वो क्या करेगा, आपसे थोड़ा नॉलेज लेना शुरू करेगा। कस्टमर के पास आप जाएंगे ना, कस्टमर के पास जाएंगे तो आपसे वो नॉलेज लेना शुरू करेगा, और नॉलेज देना शुरू करेंगे आपको नॉलेज देना भी शुरू करेंगे, सर ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, सर ऐसा करने से बेहतर रहेगा, वैसा करने से बेहतर रहेगा, आपकी बिजनेस ऐसा है तो ऐसा कीजिए सर, मजा आ जाएगा, आप बिजनेस हाईली ग्रो करेंगे। इस तरह बहुत सारे बातें आपकी और कस्टमर के बीच होगा, तो ध्यान में रखिए इस तरह बातें मत करना, इसी तरह बातें मत करना। करना क्या है आपके सवाल है ना, करना क्या है, अगर कस्टमर मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे करना क्या है, आपको उल्टा क्वेश्चंस करना है कस्टमर को, आपको उल्टा क्वेश्चंस करना है कस्टमर को, सर आपको क्या चाहिए, आप अपने बिजनेस में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। पहले आप उनसे सुनेंगे, पहले बताएंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं, ध्यान में रखना बात को, अगर आप बता दिए ना आप फंस गए, आपको वहां से डील मिलने वाला नहीं, गारंटी दे सकता हूं आपको। आप पहले कस्टमर से पूछिए सर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर बताएगा मुझे इससे तरह चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास ये हो सकता है, अगर आपके पास हो सकता है तो बस हाँ बोलिए, हाँ जी सर हो सकता है, क्यों नहीं होगा, अगर नहीं हो सकता है सर मुझे पता नहीं इसके बारे में, आप किसी और को चुन सकते हैं, सीधा बात, अगर पता है तो सर ठीक है सर हो जाएगा, और इसके लिए टाइम इतना लगेगा और आपको पेमेंट इतना करना पड़ेगा इसी मोड पर, ध्यान रखना पेमेंट ऐसे करना पड़ेगा, इसी मोड पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पहले 30%, उसके बाद और 20%, उसके बाद और 20%, उसके काम खत्म होने के बाद और 30%, ध्यान रखिए पहले 30% मिनिमम आपको पेमेंट ले लेना चाहिए, मेरा अंदाज इतना बोलता है राइट। उसके बाद 20% थोड़ा सा काम कर दिया सर 20% और भेज दीजिए, और थोड़ा काम करके उसको रिजल्ट दिखा दिया और 20% उसको मांग लीजिए, सर आपका काम खत्म होने वाला है, आप काम खत्म हो गया सर मुझे बाकी पैसा दे दीजिए, ध्यान रखना इसे पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत ही मायने रखता है दोस्त। यहां पर ना मैं इंडिया में काफी सारे लोग के लिए काम किया हूं, लोकल में तो बहुत सारे काम किया हूं, पैसा नहीं देते हैं लोग नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं, आप अगर कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनाते हैं उसको आप बिगाड़ देंगे, बिगड़ जाएगा वो आपका बुरा रेटिंग, बुरा बुरे बातें आपके बारे में बताएगा, आपको बुरा किसी का सुनना नहीं। अगर आप रियली में एक अच्छा मार्केट बनना चाहते हैं, एक बेहतरीन सेल्समैन बनना चाहते हैं, एक बेहतरीन बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा फंडामेंटल क्रिएट करना, ऐसा फंडामेंटल में चलना आपको, जहां पर आपको थोड़ा सा भी कोई बुरा ना बोल सके, ध्यान रखना इस बात को, फाइन। तो ये होता है फ्रेंड आपका सिस्टमेटिक, इस बात को याद रखना। अच्छा अभी बात आता है आप कैसे कमाई करेंगे डिजिटल मार्केटिंग से। देखिए फेसबुक ऐड आता है राइट, डिजिटल मार्केटिंग काफी सारे लोग को फोन पकड़े हैं, मतलब वो उनको पता होगा, बाकी इतने यूनिक कुछ कॉन्सेप्ट रेडी कीजिए अपनी, योर यूनिक कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने एक एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं, एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं, और वहां पर क्या कर सकते हैं ना, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सर आप ये एप्लीकेशन यूज कीजिए आपका डिजिटल मार्केटिंग इजी तरीके से हो जाएगा, अगर आपका दिमाग है तो एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं, अगर आपको पता भी है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ क्रिएटिविटी पकड़िए, जैसे वीडियो एडिटिंग एक क्रिएटिविटी वर्क, सभी लोग को पता है थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग, मुझे पता है आपको लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो कैसा एडिटिंग हो रहा है, मुझे मैं ही खुद कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत सभी को पता होगा, तो आपने ऐसा कुछ क्रिएटिविटी वीडियो बनाई है, उनको लगेगा सही में बंदा कुछ बना सकता है, सही में बंदा कुछ कर सकता है, इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखना, कुछ एक ऐसा क्रिएटिविटी अपनी और लाना है आपसे लोग अट्रैक्टिव हो और आपको लोग पूछे, उस भैया को दे दो, इसी सर को दे दो, इसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना। और इससे बाद आपको और एक फाइनल बात बताऊंगा फ्रेंड, आप कितना बड़ा डिजिटल मार्केटर बन जाइए, आप लाखों खर्चा कर दीजिए यूट्यूब ऐड में, फेसबुक ऐड में, और जो कुछ भी कर दीजिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, गारंटी दे सकता हूं, जिसी का कम्युनिकेशन स्किल सही है तो वो कुछ हो ना हो वो कुछ भी बताकर अपना काम निकाल देगा, अगर कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है तो वो काम नहीं निकाल पाएगा, इसलिए ध्यान में रखना अगर पैसा कमाना है तो पहले कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए आपको द एडवाइजर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर डाउनलोड कर दिया है तो वहां पर फास्ट मार्केटिंग सीक्रेट एक कोर्स मैंने लिस्टिंग किया हूं, वहां पर जाकर आप सीख सकते हैं मार्केटिंग कैसे किया जाएगा,
सारी चीज का, ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग किया जाएगा, ऑफलाइन कैसे मार्केटिंग किया जाएगा, टेलीकॉलिंग कैसे किया जाएगा और आपने कस्टमर कैसे कन्वेंशन किया जाएगा, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इसी एप्लीकेशन में लोड कर दिया हूं। आपने जाकर वहां पर डाउनलोड करके इसी कोर्स को परचेस कर सकते हैं और पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं वहां पर भी। बस इतने ही दोस्त बताऊंगा, आपका करियर तब बनेगा जब आप कुछ यूनिक करेंगे, जब आप यूनिक नहीं करेंगे तो आपका करियर बनने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिए इस बात को और लग रही है अपने काम पर, क्योंकि काम करना पड़ेगा, आपका पैसा हो या ना हो, आपके पास पैसा मिले या ना मिले, काम करना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।